नमस्कार साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आईपीसी के सेक्शन 306 पर एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में ब्रीफ में। ये केस वेलादुराई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल थे, उन्होंने डिसाइड किया है। केस के फैक्ट्स ये थे कि हस्बैंड और वाइफ, इनके बीच में एक झगड़ा हो जाता है और झगड़ा यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों ही पेस्टिसाइड कंज्यूम कर लेते हैं। हालांकि अक्यूज्ड सरवाइव कर जाता है, लेकिन पेस्टिसाइड कंज्यूम करने की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वाइफ के भाई ने अक्यूज्ड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी और पुलिस ने अक्यूज्ड के खिलाफ सेक्शन 306 के तहत चार्जशीट फाइल करी। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ट्रायल कोर्ट अक्यूज्ड को सेक्शन 306 के तहत कन्विक्ट करते हुए 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा देती है और उसके साथ ही 2,500 का फाइन भी लगाती है, और साथ में तमिलनाडु के कानून प्रोहिबिशन ऑफ हेरेसमेंट ऑफ वुमेन, इसके तहत भी 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और साथ ही 2,500 का फाइन लगाती है, जिसके बाद अक्यूज्ड हाई कोर्ट में अपील फाइल करता है। हालांकि हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर को अपहेल्ड करते हुए उसकी कन्विक्शन को बरकरार रखती है, जिसके बाद अक्यूज चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 113A इंडियन एविडेंस एक्ट पे ये कहती है, क्योंकि दोनों की शादी को 25 साल हो गए थे, इसलिए सेक्शन 113A के तहत अक्यूज के खिलाफ प्रिजम्पशन फ्रेम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 7 साल का टाइम पीरियड है। हालांकि सेक्शन 306 पर सुप्रीम कोर्ट काफी डिटेल में डिस्कशन करती है और ये कहती है कि अगर किसी केस को 306 के तहत लाना है तो उस केस में अक्यूज किसी दूसरे पर्सन को सुसाइड कमिट करने के लिए इंस्टिगेट करे और उस उकसाने की वजह से वो पर्सन सुसाइड कमिट कर ले, तभी अक्यूज्ड को सेक्शन 306 के तहत पनिश किया जाएगा। हालांकि सेक्शन 306 के तहत पनिश करने के लिए दो कंडीशन का होना आवश्यक है। सबसे पहला, उस केस में सुसाइड कमिट हुआ होना चाहिए, और दूसरा, वो सुसाइड किसी अक्यूज्ड के द्वारा अबेट किए जाने पे, यानी कि उकसाने पर किया जाना चाहिए, और उस केस में अक्यूज का एक्टिव रोल होना चाहिए, यानी कि केवल उसी के उकसाने के बाद ही वो सुसाइड कमिट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अमालिंदो केस को रेफर करते हुए ये कहा, केवल हेरेसमेंट, जिसमें अक्यूज के द्वारा कोई पॉजिटिव रोल नहीं है, उस केस में अगर सुसाइड कमिट होता है तो अक्यूज को सेक्शन 306 के तहत कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। इस पर एक वीडियो पहले से ही अवेलेबल है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंस्टिगेशन तभी माना जाएगा जब उस उकसाने की वजह से, जिसमें अक्यूज्ड कुछ ऐसा कार्य करता है या फिर कुछ ऐसा कार्य नहीं करता जिसकी वजह से ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर डिसीज के पास सुसाइड कमिट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो अल्टीमेटली सुसाइड कमिट कर लेता है। लॉ को डिस्कस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के फैक्ट्स को रेफर करते हुए ये कहा कि अक्यूज के खिलाफ ये एलिगेशन है कि इंसिडेंट वाले दिन उसका और उसकी वाइफ के बीच में एक झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वाइफ ने सुसाइड कमिट किया था, लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर सके कि अक्यूज ने उसको उकसाया था, ना ही कोई ऐसा एविडेंस है जो ये साबित कर सके कि जो डिसीज ने सुसाइड कमिट किया था उसमें अक्यूज का कोई एक्टिव रोल था, उस सुसाइड को कमिट करने के लिए कोई मदद की गई हो। बल्कि इन सब के विपरीत इस केस में अक्यूज ने और वाइफ ने दोनों ने ही पेस्टिसाइड कंज्यूम किया था। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ करते हुए ये कहा कि सेक्शन 306 के तहत अक्यूज को कन्विक्ट करना, इसमें दोनों ही कोर्ट ने
ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने दोनों ने ही गलती की है, यानी कि इन दोनों का फैसला गलत है। और फाइनली इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए विधि गंगा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।